हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हृदय के प्रकारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि हृदय कितने प्रकार के होते हैं, किन किन जीवों में पाए जाते हैं, सॉरी इनके जो प्रकार होते हैं जो किन किन जीवों में पाए जाते हैं, इनके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो सबके से पहले लेते हैं अपन फर्स्ट ऑफ ऑल नलिकाकार हृदय। नलिकाकार जो हृदय होता है, जो ट्यूबल हृदय भी, ट्यूबल हार्ट भी जिसको अपन बोलते हैं, वह कॉकरोच में पाया जाता है। यह 13 प्रकोष्ठीय हृदय होता है जो छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में रहता है, नलिकाओं के गुच्छे के रूप में रहता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है रिवर्सिबल हृदय। ठीक है, रिवर्सिबल हृदय जो हारमोनियम पाया जाता है, रक्त का प्रवाह है विपरीत दिशा में होता है। इसमें क्या होता है कि जो रक्त बहता है, जो पहले एकांत क्रम में बहता है, फिर एकांत क्रम में जाकर वापस क्या होता है, यह रिवर्स में बहने लगता है, विपरीत दिशा में बहने लगता है। ठीक है, किसमें? रिवर्सिबल हृदय में, हारमोनिया में। ठीक है दोस्तों। हारमोनिया एक समुद्री जीव होता है जो सेलेटेटर संघ का जीव होता है। ठीक है, निडेरिया सेलेटेटर संघ का जीव होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, द्विकोष्ठीय हृदय, यह पाया जाता है मछलियों में। ठीक है, जिसमें एक आलिंद और एक नील होता है। किसमें? मछलियों में, या पिसीज वर्ग में। पिसीज वर्ग में क्या होता है, द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है त्रिकोष्ठीय हृदय। त्रिकोष्ठीय हृदय उभयचर में पाया जाता है। उभयचर जैसे सेलामेंडर है, मेंढक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब एम्फीबिया होते हैं या उभयचर होते हैं। उभयचर वे जीव होते हैं जो जल में पाए जाते हैं तथा थल में भी पाए जाते हैं, या दोनों में रह सकते हैं। जैसे मेंढक, मेंढक क्या रहता है कि ये अंडे क्या बोलते हैं, पानी में देता है, तथा निषेचन की क्रिया भी इसमें किस में होती है, पानी में होती है। बल्कि अपना आवास आराम से स्थल पे भी रहकर अपना आवास या आराम से रह सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो आलिंद एक नील होता है, दो आलिंद एक नील, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, तीन। तो त्रिकोष्ठीय इनका हृदय हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपूर्ण चार कोष्ठीय हृदय। यह पाया जाता है सरीसृप में या रेप्टाइल्स में। इसमें क्या होता है, दो आलिंद होते हैं तथा दो अपूर्ण नील होते हैं, जिनको हम 3 से 1/2 हृदय भी बोलते हैं। ठीक है, अपूर्ण चार कोष्ठीय अर्थ क्या है, अपूर्ण चार कोष्ठीय हृदय अर्थ क्या है कि इसमें जो दो आलिंद व दो अपूर्ण नीले पाए जाते हैं, किसमें, जैसे सरीसृपों में। ठीक है दोस्तों। लेकिन अपवाद में, सरीसृपों में मगरमच्छ और घड़ियाल में चार कोष्ठीय हृदय होता है। ये किसमें, अपवाद के रूप में, मगरमच्छ में और घड़ियाल में। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, ये भी सरीसृप में आते हैं लेकिन इनमें चार प्रकोष्ठीय हृदय होता है। नेक्स्ट है चार कोष्ठीय हृदय, यह स्तनी और पक्षियों में पाया जाता है। ठीक है, चार प्रकोष्ठीय हृदय स्तनी। देखिए दोस्तों, जो व्हेल मछली होती हैं वो समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती हैं या महासागर में पाई जाती हैं, वो एक प्रकार स्तनी होती है, उसमें भी यह चार प्रकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, लेकिन वो मछली वर्ग में नहीं आती है किसी, और ये क्या है कि पक्षियों में चार प्रकोष्ठीय हृदय आता है। तंत्रिका जनित हृदय, जिसको हम न्यूरोजेनिक हृदय भी बोलते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट। इसमें क्या होता है, हृदय जो स्पंदन होता है वो तंत्रिकाओं के द्वारा होता है, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा, छोटी छोटी जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा यह हृदय उनमें वह उनके द्वारा वह हृदय स्पंदन होता है। ठीक है, जिसको अपन तंत्रिका जनित हृदय या न्यूरोजेनिक हृदय भी बोलते हैं। यह आर्थ्रोपोड और लोम्ब्रिकस जीव में पाया जाता है। किसमें? लुम्बिकस। लुम्बिकस एक प्रजाति होती है केंचुए की। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा में भी ये पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा जैसे चींटी या बिच्छू है, जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं, मक्खी है, मधुमक्खी है, तितली है, ये सब क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा के होते हैं। इनमें जो हृदय होता है वो क्या होता है, तंत्रिका जनित हृदय या न्यूरोजेनिक हृदय इनमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पेशी जनित हृदय, जिसको मायोजेनिक हृदय भी बोलते हैं। पेशी जनित हृदय किसे पाया जाता है, मोलस्का और कॉर्डेट में। हृदय स्पंदन विशिष्ट कोश पेशियों के द्वारा होता है। जो हृदय जो स्पंदन होता है इनमें, वह क्या होता है कि एक विशिष्ट पेशियाँ होती हैं, विशिष्ट मसल्स होती हैं, विशिष्ट प्रकार की मसल्स जो पेशियाँ होती हैं उनके द्वारा यह हृदय बना हुआ होता है। उन हृदय के जो वे जो पेशियाँ जब स्पंदन करती हैं तो उनके द्वारा हृदय संचालित रूप से कार्य करता है। ठीक है, हृदय संचालित रहता है, इसको अपन क्या कहते हैं, पेशीजनित हृदय या मायोजेनिक हृदय भी इनको अपन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सबसे बड़ा हृदय किसमें पाया जाता है, व्हेल मछली में और हाथी में। ठीक है, व्हेल क्या है, एक समुद्री जीव है, हाथी है जो एक स्थली
जीव है जो सबसे बड़ा भारी जीव, स्थलीय जीव किसमें आता है? हाथी, पृथ्वी में सबसे बड़ा, ठीक है। और ये समुद्री जीवों में देखें तो सबसे बड़ा क्या होता है? व्हेल। तो इनमें क्या होता है? सबसे बड़ा हृदय पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।